वेलकम टू द न्यू व्लॉग, और पता ही नहीं आपको कहाँ जा रहे हैं। और मेरे साथ कजिन मेरा, ये गैसकेट बर्नर, ये मैगी पकाने के लिए स्पून, और ये चल रहे हैं अभी पौने सात हो रहे हैं और तैयारी तो सब हो गई है। होपफुली ऐसे कुछ 1 घंटा दिखा रहा है, तो होपफुली 1 घंटे में पहुँच जाएगी हम लोग। और अंदर कुछ नाश्ता करने को मिल जाएगा, नाश्ता कर लेंगे, नहीं तो ऊपर जाके ही खा लेंगे मैगी। ये पहले तो पता बोलते हैं, इधर से राइट लिए तो सीधा पहुँच जाएंगे। खोपड़ी तो जस्ट पहुंच गए, 8 बज रहे और मुझे नाश्ता करना का सोच है। नाश्ता हो गया, उनका वॉशरूम भी हो गया, और यहाँ से अभी 9 किलोमीटर है, यानी कि 15-20 मिनट लगेगा बेस तक पहुंचने के लिए, चक्का मन के पास। और फिर वहाँ से पैकिंग है ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का, अब निकलते हैं यहाँ से। हमको जाना है उधर उस ब्रिज पे, दिख रहा है कि लोगों को अभी यहाँ से शुरू होता है पूरा ऑफ रोडिंग। वहाँ तक तो पूरा रोड था डामरी, यहाँ से पूरा ऑफ रोड है मंदिर। इसका लोकेशन मैं आपको दे दूँगा। कुछ वीडियो में लोग यहाँ इस रूट से आए हैं, तो इस रूट से जो ये झाड़ है वर्ड का, यहाँ से यहाँ जाना है। हम लोग उधर से आए थे तो हमें और झाड़ लगा, पर यहाँ से जाना है। निकल पड़े हम लोग, ये रहा मंदिर, वहाँ पर गाड़ी पार्क की, और अभी पूरा ट्रेल फॉलो करना है। ये रहा ट्रेल, यहाँ पे छोटी सी नदी आएगी, एकदम छोटी सी, उसको क्रॉस करेंगे और अपोजिट साइड जाएंगे। पानी है लेकिन काफ़ी कम पानी है। थोड़ा सा आने के बाद एक झाड़ दिखेगा ऐसा, और इधर से अपने लेफ्ट जाना है, राइट नहीं लेना है, लेफ्ट लेना है। फाइनली द मोस्ट डिफिकल्ट वन पैच आ गया। वो रहा खोपोली, अभी हमें चढ़ते जाना है ऊपर। ये है द मोस्ट डिफिकल्ट पाथ, रबर के रहे तो ही पहनना है यहाँ पे, वरना पेस्ट स्लिप होगा। स्पार्क्स भी काम का नहीं है, ये स्पार्क्स का भी हमें स्पार्क्स चला जाता है, और थोड़ा और चलना है। फाइनली द डिफिकल्ट पार्ट पैच जो है ख़त्म हो गया है। आप थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये सबसे डिफिकल्ट था या कोकंदड़ा वाया खिले खिरेश्वर जो तोलार खीन वाला जो पैच है वो डिफिकल्ट था। अरे ट्रेन गई और आएगी ट्रेन, हमने लिया थोड़ा सा ब्रेक, पसीना पसीना हो गया, बारिश होती तो सही होता। अब थोड़ा और चलना है, इधर भी उधर ही है ऊपर ब्रिज, ये नदी क्रॉस करना है। उस गांव पे थे हम लोग, वो वाले वहाँ पे हम लोग ट्रैकिंग करते ऊपर आ गए, और फॉग बढ़ रहा है इधर। अभी हम बना रहे हैं मैगी, अभी हम लोग खा रहे हैं मैगी। मैं मैगी खा के हो गया है, और अभी यहाँ पे आने के 2 रास्ते हैं, ठीक है। एक तो है मुंबई के लोग ज़्यादातर खोपोली से आते हैं, तो एक अंदर से रास्ता है, एक रूट है ट्रेल से आना है, वो सामने एक ट्रेल है छोटा सा, वहाँ से ऐसा करते करते आना है, ठीक है। और ये रास्ते से कभी मत आना, देखो ये जो ट्रेल दिख रहा है ना, ये ट्रेल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये रास्ते से कभी मत, बहुत रिस्की है ये वाला, काफ़ी रिस्की है, पूरा चढ़ना पड़ता है, और एक भी पत्थर गिरा तो पता है क्या हो जाएगा। तो इसके पैरेलल मैं दिखाऊंगा जाते आते, वो एक वहाँ से रूट है, वहाँ से जाना अल्टरनेट। और पुणे के लोग इस टनल से आते हैं, टनल नंबर 41 है शायद, तो वो लोग मंकी हिल पे आना है, मंकी हिल से गाड़ी पार्क करके कच्चे रास्ते से वॉकिंग है, ज़्यादा इस पर कुछ ट्रैकिंग वैकिंग नहीं है, इधर प्लेन सीधा रास्ता है, ये टनल क्रॉस करना पड़ेगा मंकी हिल से। और मुंबई के लोग उधर से आते हैं, उनको काफ़ी कसरत करनी पड़ती है, जैसे हमें करनी पड़ी, वो इसके वो जो सेंट्रल रेलवे का बोर्ड खंबा है उसके पीछे का रास्ता है जाता है।
बाय बाय टू दिस प्लेस। और अभी हम जा रहे हैं नीचे बैक टू बेस, और जाते जाते एक जीनत वाटरफॉल है वो देखेंगे। होपफुली उतनी मेरी बैटरी टिके, क्योंकि मेरी बैटरी है अभी 38%। हम यहाँ रहते हुए ऑलमोस्ट 3 से 4 ट्रेन पास हुई है, तीन ट्रेन पास हुई है और एक दो इंजन सारे। ज़्यादातर यूट्यूब पे ये रास्ता दिखा है, लेकिन काफ़ी रिस्की है, काफ़ी बहुत ज़्यादा रिस्की है ये। एक भी पत्थर गिरा तो सब पत्थर नीचे आ जाएंगे, तो इससे बेटर है कि ये रास्ते से जाना, इसका बहुत सेफ है। ये थोड़ा डेंजर पार्ट है। अभी हम लोग पहुँच गए बेस पे पार्किंग में, हम सोच रहे कि जीनत वाटरफॉल पर जाएंगे, जीनत जो इस मंदिर के पीछे है। पानी की बॉटल भर लिए, अभी जा रहे जीनत वाटरफॉल पर। ये रास्ता है, ये पार्किंग है, यहाँ से ये हाँ टाकी के पीछे से चलना है। दो नदी क्रॉस करने के बाद थोड़ा चलना पड़ेगा, उधर है कहीं तो। अब बैटरी भी लो है। फाइनली हम जीनत वाटरफॉल पहुँच गए, जो मंदिर के पीछे से एक रास्ता जाता है उधर है, और ये रहा हुआ वाटरफॉल। बाकी हो गया, ऑल गुड टू गो, और ये रहा वाटरफॉल। बैटरी काफ़ी लो है, ज़्यादा शूट तो नहीं कर पाऊँगा अभी। तो फाइनली हो गया हमारा एक्सप्लोर के जीनत वाटरफॉल और केपी वाटरफॉल। आज के लिए इतने रखते हैं, बैटरी काफ़ी लो है, अभी यहाँ से जाइए घर। एक घंटे का वापस सफ़र है, घर जाके खाना खाएगा और थोड़ा आराम करेगा और मोबाइल चार्ज करेंगे। वीडियो कैसा लगा बताइए, और कचरा ना करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी के वीडियोस ज़रूर देखें। ऑफ बीट कोकन की सीरीज़ ज़रूर देखें, और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें। बाय।